क्या कारण है अफ्रीका इतने रिसोर्सफुल होने के बाद भी आज पीछे है? ऐसा नहीं है कि उनके वहां पिछले 200 साल में 300 साल में इंटेलेक्चुअल लोग नहीं गए थे, डेवलप्ड कंट्री के लोग नहीं गए थे, लेकिन गए, लेकिन उनको डेवलप करने की बजाय एक्सप्लोर करके निकल गए, वहां प्रश्न चिन्ह है। दुनिया के सभी प्रकार के लोगों को एक समझ नहीं हो रही है, नहीं तो विश्व इतने चिंतित सस्टेनेबिलिटी को लेकर नहीं होता। क्लाइमेट विश्व मनुष्य समग्र दुनिया को, वर्ल्ड को एक साइंटिफिक टेंपर में ऊपर लेके गया, लेकिन इसको करते करते परिवेश संतुलन को ऐसे भूल गया कि आज उसके लिए फिर रिवर्क करना पड़ रहा है कुछ विषयों को, यानी एक संतुलित विकास नहीं हुआ। इस स्थिति में आज अनुसंधान क्यों? दुनिया में ऐसा नहीं कि अनुसंधान बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अभी पवन जी, हमारी कलेक्टिव स्पेंडिंग ऑन R&D और एक एक पाश्चात्य की विश्वविद्यालय के R&D के बजट की तुलना करते थे, ये बात सही है, लेकिन ये बात को भी समझना पड़ेगा पवन जी, इस बार कोविड के समय में भारत ने भी हेल्थ केयर में, मैं बहुत आज प्रसन्न हूं, बहुत आत्मविश्वास मेरा बढ़ रहा है, मैं यहां आने के बाद, मैं बाकी आप लोगों को क्या कहूं ये अलग बात है, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। हेल्थ केयर में इतने इनोवेशन आज आ गया है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। हमने भी, मैं 2020 मई जून में विश्व की मेरे पहचान के कुछ डॉक्टर्स के साथ दुनिया भर में जो जहां ऐसे लोगों को मैंने बातचीत किया, विशेष करके उड़ीसा के लोग थे, अमेरिका से ज्यादा लोग थे, मैंने उनको पूछा इस कोविड की समस्या की समाधान क्या है, उन्होंने कहा वैक्सीन कब आएगा, कम से कम 10-15 साल तो लगेंगे। मित्रों, आज 3 साल नहीं हुआ है, भारत में 2 वैक्सीन भी बन चुका है, दुनिया ने भी बनाया, भारत ने भी बनाया, यह पहले नहीं था, हमने पोलियो की वैक्सीन को बाहर से लाना पड़ा था, आज भारत भी वैक्सीन बना पा रहा है। हेल्थ केयर में हम भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए हमारा भी एक रोल हो रहा है। जेनेरिक मेडिसिन में हमने जो तरीका निकाला, ये आज विश्व की एक एस्टैब्लिश मेथड बन चुकी है। मित्रों, एक समय सबकी रहती है, इस समय में भारत में जिस प्रकार की, और दुनिया मानती है 2-3 सेक्टर में हम लोगों की विशेषज्ञता बन चुकी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मेडिसिन में और लीगल एनालिटिक्स में, दुनिया के सारे उद्योग धंधे को अगर आप एनालिसिस करोगे, भारत के बहुत लोग हमारी IIT, हमारी IIM, हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन से बढ़ के दुनिया की लीडरशिप पोजीशन में पहुंचे हैं। इसके अर्थ है भारत की इनहेरेंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ग्लोबल न्यू ऑर्डर लाने में सक्षम है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने पुराने दिनों में क्या किया था, हमारी सभ्यता कितने इंपैक्टफुल था, यह शायद ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाने के कारण आज हमको कुछ चीजों में चैलेंज सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पिछले 100-150 साल की अगर हम इतिहास को और जर्निंग को हम एनालिसिस करते हैं, हमको इसे 2-3 चीज ध्यान में आती है। यह भारत की समय है, भारत की प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा रखा है हमें रिसर्च बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना पड़ेगा। आज देश की और विश्व की आवश्यकता क्या है? टेक्नोलॉजी हमको एक समय में यहां तक ले जा रहा है कि प्रश्न आ रहा है कि लोग काम करेंगे या मशीन काम करेगा, दोनों सही है। ईज के लिए मशीन को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, AI ML इज द न्यू ऑर्डर, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है,
लेकिन इसके अर्थ लोग बेकार रहेंगे क्या? ऐसा भी नहीं है। इसकी बैलेंस की आधार पे हमारे वहां रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मैं जो आज पहला रिसर्च यहां देखा, पहला इनोवेशन यहां देखा रिसर्च आधारित, वो है बहुभाषिणी। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि मैंने बहुत दिनों से उस विषय को मेरे मन में जिज्ञासा था, वो कैसे संभव होगा। भारत की कोई भी भाषा में, भारत की कोई भी भाषा में हम कहें, विश्व की कोई भी भाषा में उसको लोग समझ जाएं। मैं तो आज मेरे जिंदगी के एक महत्वपूर्ण दिन इसीलिए मानता हूं, इसकी टेक्नोलॉजी मॉडल प्रूवन हो चुकी है। मैंने सुनील जी का, सुनील जी आप ही के काम ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इंटरेक्शन होगा तो फिर डाटा ज्यादा खर्चा होगा, और इसके ऊपर तो जो कहा जाता है भारत में सोने पे सुहागा। इस बार हम कभी, हम सभी के मन में एक ग्लानी रहती थी, यार हम सब दिन नौकरी करते रहेंगे क्या, मुलाजिम बनते रहेंगे क्या? अंग्रेजों ने हमको जो मैकॉले मिनट्स में जो व्यवस्था बनाई है, कोई मेरे मन की बात में नहीं कह रहा हूं, मैकॉले मिनट्स में यह कहा गया कि हमें लॉन्ग टाइम भारत को कैसे रूल करें, उनको इकोनॉमिक एक्सप्लोइट करें, ऐसे एक एजुकेशन मॉडल खड़ा करना है। ऐसे भारत की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज समय आई है, हम लोगों ने हमारी इनोवेशन, हमारी रिसर्च, हमने डिजिटलाइजेशन में एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं। दुनिया की 40% टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन की 40% भारत में हो रहा है।